नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके सबसे क्लासेस। पीके सबसे क्लासेस में आपका स्वागत। दोस्तों बात करेंगे यूपीटी प्लस सी लोअर पीसीएस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 30 और 1 तारीख को इसका एग्जाम डेट था और फाइनली जो है एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, एग्जाम हो चुका है। अब आपकी बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का जो है यूपीटी प्लस सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया गया है और आप लोगों ने आंसर के साथ मैच भी कर लिया होगा, मिला भी लिया होगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल आंसर की आया नहीं है। आप लोग जो है मिनरली ऑफिशियल आंसर की से आप लोग मैच कर लिए होंगे। अभी जो है यूपीटी प्लस सी एक दो दिन में इसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और सबका नंबर आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको सर्वे स्टार्ट कर दिया है, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करके अपना नंबर और तथा अपने साथियों का नंबर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ उनके जो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से उनको सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो सर्वे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों pkonlinetest.com पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा ही आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे फ्री ऑनलाइन टेस्ट के नीचे यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आया हुआ है कट ऑफ सर्वे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए सर्वे का जो है पेज ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे बहुत सारा सर्वे मैंने स्टार्ट किया, जैसे अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे लोअर पीसीएस का जो है सर्वे स्टार्ट हुआ है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 का सर्वे स्टार्ट हो गया है। तो यदि आपको लोअर पीसीएस का सर्वे स्टार्ट देखना है तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक हेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे लोअर पीसीएस का जो है सर्वे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी चीज़ मांगा गया है, और यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि सर्वे रिजल्ट में आप लोग सर्वे का रिजल्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे सर्वे में मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले नाम नेम अपना भरना है, और कैटेगरी आपको चूज लेना है, और इसके बाद जो है सब कैटेगरी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। एग्जाम डेट आपको चूज करना है, इसके बाद एग्जाम सीट, और यहाँ पे स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउट ऑफ 300 150 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन दो नंबर का था, तो आपको इसमें मार्क्स भरने हैं, यानी कि 300 में आपका कितना स्कोर हुआ है माइनस मार्किंग करने के बाद है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी करना है, एलिजिबिलिटी का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ आपको ग्रेजुएशन है तो ठीक है, ग्रेजुएशन विथ एजी और बायोलॉजी, और ग्रेजुएशन विथ कॉमर्स और इकोनॉमी। जैसा कि आपको पता है कि इन सबका अलग अलग वैकेंसी है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कौन कैंडिडेट किस कैटेगरी में है। और यहाँ पर यहाँ आप कन्फिल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों सबमिट का बटन क्लिक कर देना। जैसे सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वे रिजल्ट पे जा सकते हैं। सर्वे रिजल्ट में यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर पे जैसे क्लिक करेंगे तो सर्वे का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सर्वे का, क्लिक हेयर पे जैसे क्लिक करते हैं आपको तो इस प्रकार का देखिए पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सर्वे का जहाँ डाटा दिया हुआ है, नाम है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, एग्जाम डेट है, एग्जाम शिफ्ट है, स्कोर है 300 में से, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट किए, और सभी का अपने दोस्तों का जो है नेम और देख सकते हैं, और उसके साथ साथ कितना स्कोर सभी लोग प्राप्त किए हैं 300 में से, और आप अपने अंदाजा अनुसार लगा सकते हैं कि कितना इसका कट ऑफ जाएगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे 500 डाटा प्लस होने वाले हैं, जैसे ही 500 प्लस हो जाएंगे मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा, और श्योर है कि वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जाएगी, चाहे ओबीसी का हो, जनरल का हो, या एससी का हो, या एसटी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग 200 प्लस में जा रहे हैं, तो यानी कि 200 प्लस में ही इसका जो है कट ऑफ जाएगा। 65 to 70% बताया जा रहा है कि इसका कट ऑफ होगी, बट अभी तक जो है सर्वे डाटा कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे सर्वे कंप्लीट होता है तो मैं आपको श्योर बता दूंगा कि 60 to 75 के जो है कितने बीच में जो है परसेंटेज में आपका कट ऑफ जाएगा, 65% कट ऑफ जाएगा या 60% कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है अभी आपका मेंस होना है, और इसमें आपको 20,000 जो है कैंडिडेट आयोग जो है कैंडिडेट को लेगा, 20,000 कैंडिडेट का जो है इसमें लिया जाएगा मेंस में जो है, यानी कैंडिडेट जो है 20,000 मेंस का एग्जाम देंगे। इसलिए जो है अभी आप घबराइएगा मत, यदि आपका नंबर भी कम है तो उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,000 कैंडिडेट जो हैं पास किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर तो आए ससरे इस प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसका सर्वे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट सर्वे में पार्टिसिपेट करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।